अस्सलाम वालेकुम। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम ورحمة الله وبركاته। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपके साथ कौन कौन है अभी? आप बाबर, आपके तीनों साथ हैं। उमर। हाँ, आप दूसरे भी कनेक्ट हो जाए ना, ताकि वो स्पॉटलाइट करना होता है उसको। दो कनेक्ट, दोनों कनेक्ट जो हो जाए आप, ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ऑल ऑफ यू ठीक हैं आप? एवरीबॉडी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। आज हमारे जो हैं एग्जांपल्स हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, तो आज हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। हमारे जो दसवां टेंस चल रहा है हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हैं आज एग्जांपल्स। शुरू करें। लेट अस स्टार्ट नाउ। जी सर। ओके, इसमें जो मसला होगा, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन स्पेलिंग, सो यू कैन आस्क मी। जस्ट आई स्टार्ट नाउ। He will be sir. बाबर अपना स्पीकर बंद कर गया। सर वो क्या नाम है, वहम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वहम जो है, वहम सर कल आपने वहमी लिखवाया हुआ है ना? सस्पिशियस। यस सर, सस्पिशियस। सस्पिशियस, एस यू एस पी आई SCIOUS, suspicious। चलें शुरू करें। जी सर। जी, एग्जाम्पल्स। ही विल बी वर्किंग इन द ऑफिस। ही विल बी वर्किंग इन द ऑफिस, वह दफ्तर में काम कर रहा होगा। ही विल बी वर्किंग इन द ऑफिस। नेक्स्ट, शी विल बी रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट, इट विल बी रेनिंग फॉर थ्री डेज। नेक्स्ट, दे विल बी प्लेइंग द मैच। नेक्स्ट, यू विल बी टेकिंग द ब्रेकफास्ट। I shall be doing job. मैं नौकरी कर रहा हूंगा। We shall be watching the TV. He will be winning the match. वो मैच जीत रहा होगा। He will be winning the match. I will be आ गया।
कौन सा रह गया? आई विल बी, वी विल बी। नहीं नहीं नहीं, इसमें विल भी नहीं लगता, इसमें वो जब लगता था आपका उसमें जो है आपका फ्यूचर जो है इंडेफिनिट टेंस में, मिलेगा का मामला वहां था, यहां नहीं है। मैंने आपको डेफिनेशन में आपको लिखवाया भी नहीं है कि ये आई और वी के साथ में विल भी लगाना है, ठीक है ना? इसमें आप फर्क रखेंगे आप कि वो सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मसला इसमें नहीं है, इसमें लगने ही शैल भी है आई और वी के साथ, दे ही शीट और दे यू से लगने ही विल भी है। चलें जी आगे फिर लिखें, ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा होगा, ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट, शी विल बी डूइंग होमवर्क, वो घर का काम कर रही होगी, शी विल बी डूइंग होमवर्क। नेक्स्ट, दे विल बी टेकिंग द मेडिसन, वो दवाई ले रहे होंगे या वो दवा ले रहे होंगे, दे विल बी टेकिंग द मेडिसन। यू विल बी टॉकिंग ऑन टॉपिक, वो मौजू पर गुफ्तगु कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, दे विल बी टॉकिंग ऑन टॉपिक। यू विल बी, नेक्स्ट है यू विल बी लिसनिंग द म्यूजिक, तुम मौसीकी सुन रहे होगे, यू विल बी लिसनिंग द म्यूजिक, लिसनिंग listening टी लिखते हैं बोलते नहीं है, लिसनिंग में टी साइलेंट है, listening यू विल बी लिसनिंग द म्यूजिक फुल स्टॉप। आई शैल बी ट्रेवलिंग टू मरी, मैं मरी का सफर कर रहा हूंगा, आई शैल बी ट्रेवलिंग टू मरी। ट्रेवलिंग के स्पेलिंग है TRAVELING, सिंगल एल आता है इसमें, डबल एल नहीं आता है, लोग डबल एल लगा रहे होते हैं इसमें, ट्रेवलिंग है TRAVELING। यू विल बी ट्रेवलिंग टू मरी। जी नेक्स्ट, आई शैल बी मेकिंग द प्लान, मैं मनसूबा बना रहा हूंगा, आई शैल बी मेकिंग द प्लान, प्लान में PLAN मनसूबा, आई शैल बी मेकिंग द प्लान, मैं मनसूबा बना रहा हूंगा। वी शैल बी मेकिंग टी, हम चाय बना रहे होंगे, वी शैल बी मेकिंग टी, TEA, वी शैल बी मेकिंग टी। फिर नेक्स्ट है ही विल बी काइटिंग ऑन द रूफ, वो छत पर पतंगबाजी कर रहा होगा, ही विल बी काइटिंग ऑन द रूफ, काइटिंग KITING, ही विल बी काइटिंग ऑन द रूफ, वो छत पर पतंगबाजी कर रहा होगा। नेक्स्ट, शी विल बी रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही होगी। दे विल बी जोकिंग इन द स्कूल, वो स्कूल में मजाक कर रहे होंगे, दे विल बी जोकिंग इन द स्कूल, जोकिंग JOKING। यू विल बी शॉपिंग इन द मार्केट, तुम बाजार में खरीदारी कर रहे होगे, यू विल बी शॉपिंग इन द मार्केट।
आई शैल बी कंप्लीटिंग द वर्क, मैं काम मुकम्मल कर रहा हूंगा. आई शैल बी कंप्लीटिंग द वर्क, कंप्लीटिंग सी ओ एम पी एल ई टी आई एन जी. आई शैल बी कंप्लीटिंग द वर्क. वी शैल बी टेकिंग द लंच, हम दोपहर खाना ले रहे होंगे. वी शैल बी टेकिंग द लंच. नेक्स्ट, ही विल बी वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, वो फुटपाथ पर चल रहा होगा. ही विल बी वॉकिंग ऑन द फुटपाथ. फुटपाथ में स्पेस नहीं है, इकट्ठा लिखते हैं फुटपाथ, इकट्ठा लिखते होते हैं, इसमें जगह नहीं छोड़ते, एक ही वर्ड है फुटपाथ. शी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े धो रही होगी. शी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स. क्लॉथ का स्पेलिंग है सी एल ओ टी एच एस, क्लॉथ्स. नेक्स्ट, दे विल बी रनिंग इन द ग्राउंड, वो मैदान में भाग रहे होंगे. रनिंग आर यू डबल एन आई एन जी, दे विल बी रनिंग इन द ग्राउंड, वो मैदान में भाग रहे होंगे. यू विल बी टेकिंग द रेस्ट, तुम आराम. सर पूरे हो गए जी, क्या हुआ? 25 कंप्लीट हो गए. कोई बात नहीं, ये एक आखिरी चलने देना फेज ये वाला. यू सर रनिंग इज स्पेलिंग रनिंग आर यू डबल एन आई एन जी, आर यू डबल एन आई एन जी. आगे है यू विल बी टेकिंग द मेडिसन, तुम दवाई ले रहे होगे. यू विल बी टेकिंग द मेडिसन. नेक्स्ट है आई शैल बी स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूंगा. आई शैल बी स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूंगा. आखिरी है ये वी शैल बी लूजिंग द मैच, हम मैच हार रहे होंगे. वी शैल बी लूजिंग द मैच, लूजिंग एल ओ एस आई एन जी, लूजिंग. कितनी होगी एग्जाम्पल्स, हाउ मेनी एग्जाम्पल्स आई नोटेड यू? 28. ओके, एनफ, इट इज एनफ. सर एक और लिखवा दे. एक और करनी है या दो कर दें? 30 कर दें पूरी. यस सर, 30 कर दें. ओके, देखें आप. ही विल बी रिपेयरिंग द कार, वो गाड़ी ठीक कर रहा होगा, मरम्मत कर रहा होगा. ही विल बी रिपेयरिंग द कार. रिपेयरिंग रिपेयरिंग आर ई पी A I R I N G. He will be repairing the car. वो कार ठीक कर रहा होगा, कार की मरम्मत कर रहा होगा. Next, she will be studying in the library. वो लाइब्रेरी में मुतालिया कर रही होगी. She will be studying in the library. Studying की स्पेलिंग है S T U D Y I N G. She will be studying in the library. Library, L-I-B-R-A-R-Y. चलें 30 पूरे हो गए, फुल स्टॉप. अब आप ये एग्जाम्पल बनाएं, जितनी बना सकते हैं बनाएं. 30 अपना 60 बनाएं, 90 बनाएं, 110 बनाएं. आपकी अपनी वो है, मेहनत है आपकी. सिस्टम पता ही आपको सारा, उसका क्या करना है, क्या किस तरह तो बनानी है आपने. आई टॉट यू ऑलरेडी, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, यू आर वेल इन्फॉर्म अबाउट इट, यू आर वेल कॉन्शियस अबाउट इट.
ऑलरेडी यू आर कॉन्शियस अबाउट इट. इसमें कुछ स्पेलिंग का कोई इशू है तो मुझे पूछ लो कि बात समझ नहीं आई है, कुछ स्पेलिंग का मामला है. कोई नहीं है, नो इशू सर. एक मिनट जी, जस्ट अ मिनट सर, एक सेकंड पढ़ के. जी सर पढ़ के बताता हूँ, सारा पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ आपको, कोई मसला तो नहीं है जी. सारे पढ़ लें आप, इसको देख लें. सर नो प्रॉब्लम, सारा सही है, पढ़ा जा रहा है. ओके, स्पेलिंग कोई इशू नहीं है, आप भी देखो बाकी भी देख लें. वो देख रहे हैं ठीक है. कोई डाउट अगर है स्पेलिंग में कोई को ठीक कर लो, बजाय डाउट में आने के वो फिर उसका नुकसान होता है, सारी उम्र के लॉस होता है. फिर उसको भी क्लियर कर लो, ठीक है. टेस्ट में भी मसला हो सकता है आपके लिए, इसलिए इसको भी ठीक कर लें आप. आपका टेस्ट भी परसों आ रहा है, कल क्लास ऑफ है, कल का एग्जाम डे है, पता ही आपको छुट्टी है कल. ओके सर, क्लियर है सब कुछ. चल अच्छी बात है. तो वोकैबुलरी शुरू करते हैं आगे, फिर आप कुछ रिवीजन करवा लेंगे. आपको टेस्ट भी आपको आ रहा है परसों, ठीक है, सैटरडे को. सर जी, सर का जो कल वाली वोकैबुलरी है ना, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रही है. मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुने. जी, पिलर, पिलर, डोम, ठीक है,
कोर्टयार्ड कोर्टयार्ड फील्ड फैसिलिटी और ये सस्पेंशन क्या है सस्पिशियस जी सस्पिशियस हो गया. उसके बाद डायमंड गोल्ड सिल्वर लॉकडाउन गार्लैंड वायलिन ब्लाइंड स्टिक डेफ और थीफ सर थीफ सर अगर हम किसी को बोलेंगे ये हार कितने के तो उससे यूं पूछेंगे हाउ मेनी प्राइस द गार्लैंड. आप पूछेंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस गार्लैंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ गार्लैंड या हाउ मेनी प्राइस द प्राइस द मैंने नहीं कहते हैं हाउ मच कहते हैं हमेशा. प्राइस पूछनी हो तो हाउ मच पूछते हैं. प्राइस के लिए हाउ मेनी नहीं कहते हैं हाउ मच. यस सर. हाँ ओके सर वोकैबुलरी शुरू करा दें. ठीक है शुरू करते हैं आगे फिर आपकी रिवीजन भी करानी है क्योंकि पोर्टल टेस्ट भी आपका आ रहा है तो इन चीजों को सबको देखना है आज हमने. वोकैबुलरी हमारे पार्ट से बड़ी चल रहे थे. क्यों भाई सर पार्ट्स ऑफ बॉडी आपने आधे कराए थे. हाँ वही उसको आप कंप्लीट करेंगे ना आज. सर वो हो गया था हेयर हेड फॉरहेड स्किन एयर नेक थ्रॉट आईज आईज लैशेस फेस नोज आईज ब्रोज चिक मुंचीज मोस्टैशेस मोस्टैशेस चौधरी के बोली और ब्रीड बर्ड मोस्टैशी मोस्टैशी और बर्ड बियर्ड मोस्टैशी बोले बियर्ड बी आर या सर चिन है चिन चिन थोड़ी 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 होती है थोड़ी थोड़ी चिन चिन और नी कहते हैं घुटना के लिखते हैं बोलते नहीं है नी नी है घुटना. घुटना नी घुटना. अच्छा इसके बाद हार्ट है दिल हार्ट हार्ट है दिल माइंड ज़हन ब्रेन दिमाग ब्रेन है दिमाग वेन फुट कहते हैं पांव इसकी जमा क्या है फीट पांव की जमा क्या है फीट प्लूरल है ये प्लूरल फीट फीट है पांव चिन नी हार्ट माइंड ब्रेन फुट फीट. हील हो गया था ना हील एडी नहीं हुई सर हील नहीं हुआ अभी बोर्ड नहीं साफ करना सर अभी लिख रहे हैं. हाँ ठीक है लिखें चिन नी हार्ट माइंड ब्रेन फुट फीट. सर ये फीट का आपने क्या लिखवाया उर्दू फीट पाँव ये जमा है ना ये दो पाँव आपके हो जाएंगे ना फीट ये एक पाँव है फुट एक पाँव है फीट दो पाँव फीट.
चले जी सर। बैक कहते हैं कमर, बी ए सी के, बैक कमर है। वेस्ट भी कमर कहते हैं, वेस्ट भी कमर है, वेस्ट। ये हो गया था आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हो गया था खून की गर्दिश ना, ये भी लिख लें आप, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये भी जिसम का हिस्सा जाहिर है, ये पार्ट ऑफ बॉडी है, ब्लड ही पार्ट ऑफ बॉडी है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, खून की गर्दिश। खून की गर्दिश, खून की गर्दिश, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सिस्टम कहते हैं निजाम, जो हमारे सारा जो जिस्म का जो है बॉडी का एक निजाम है, जिसे हम कहते हैं सिस्टम, सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, निजाम को सिस्टम कहते हैं, सिस्टम। हमारा जो इंसानी ढांचा होता है उसे कहते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहते हैं ढांचा, ढांचा जो हड्डियों का होता है ना, हड्डियों का पूरा, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ढांचा, स्ट्रक्चर। और ह्यूमन कहते हैं इंसान, ह्यूमन इंस्ट्रक्टर, इंसानी ढांचा, ह्यूमन इंसान। इसे होमा नहीं पढ़ना, ह्यूमन पढ़ना है, ह्यूमन, ह्यूमन इंसान। टू वर्ड्स लेफ्ट, दो वर्ड रह गए आपके सिर्फ सर जी। किसी किसी के हाथ में एक इजाफी उंगली भी होती है, उसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा फिंगर ही कहते हैं ना। यस सर, एक्स्ट्रा फिंगर, जायद उंगली। डन हो गया? यस सर। वो हो गया था एल्बो, हो गया था एल्बो, कोहनी, एल्बो, नो एल्बो नहीं हुआ, नो बाजू की जो कोहनी होती है इसे एल्बो कहते हैं ना, वो उसी का तो कराया होगा मैंने फिर, एल्बो, ई एल बी ओ डब्ल्यू, एल्बो है कोहनी, एल्बो, एल्बो। टो कहते हैं पांव का अंगूठा, पांव का अंगूठा। थम तो आप, थम तो हो गया, थम हो गया, थम हाथ में अंगूठा, वो हो गया था? नो, वो भी नहीं हुआ। ये थम है, बी निप लिखते हैं, बी बोलते नहीं है, थम है हाथ का अंगूठा, जो हम अक्सर लगाते हैं हम स्टाम्प पेपर के ऊपर, कानूनी कागज के ऊपर, हाथ का अंगूठा या आईडी कार्ड के लिए हम जो थम लगाते हैं, अंगूठा, थम। फिंगर्स उंगलियां, फिंगर्स उंगलियां, पाम कहते हैं हथेली, ये पाम है आपकी, ये सीधी जो है ये पाम है, पाम है हथेली, एल लिखते हैं बोलते नहीं है, पाम, पाम कहते हैं हथेली, ये आपके हैं जी।
18 वर्ड आपके हो गए आज वोकैबुलरी के। सर जी थोड़ा साइड हो, क्या हुआ सर? थोड़ा साइड हो जाएगा जी, नजर नहीं आ रहा। हो गया आपके 18 वर्ड हो गए आपके आज वोकैबुलरी के। सर जी सर बोले हैं सर, एक सेकंड बंद करो सर जी। आपको आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं जा रही? जा रही है यार, तू चुप कर जा। सर ये जिस तरह उंगलियों के नाम है, इसी तरह दांतों के भी नाम होते हैं कि नहीं? उन सबको टूथ बोलते हैं? नहीं नहीं, हाँ दांत रह गए, टीथ। टूथ एक दांत होता है, टीथ ज्यादा दांत होते हैं। टूथ एक दांत है, वो भी लिख लें आप। अभी थोड़ा सा ये भी थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया ये। टूथ है एक दांत, लिख लें ये भी, कोई बात नहीं, ये काम आपके आएगा। एक दांत, टीथ है ज्यादा दांत, ये टूथ की जमा जो है वो टीथ है। इस तरह जो जाज है, जबड़े, जाज ये हमारे हैं जबड़े। गम्स भी कहते हैं, गम्स, गम्स भी जबड़े होते हैं। गम्स नहीं, ये GUMS है, गम्स, GUMS। और टंग कहते हैं जबान, टंग, TONGUE, टंग है जबान, टंग। ये है टंग, ये मिस हो गया था ना, ये भी चले, ये भी लिख लिया आप। टूथ, टीथ, जॉज, गम्स, टंग। 18, 18, 20, 23 हो गए आपके, पार्ट्स ऑफ बॉडी 23 हो गए। टंग है जबान, टूथ दांत, टीथ ज्यादा दांत, जॉज जबड़े, गम्स जबड़े, टंग जबान, एल्बो, टो, थंब, फिंगर्स। जी सर, ये नाक के अंदर जो हड्डी होती है इसे बोन कहते हैं या इसका भी कोई अलग नाम है? सर कहते हैं हड्डी, खोपड़ी, खोपड़ी, खोपड़ी कहते हैं स्कल, SKULL, स्कल है खोपड़ी। ये अच्छा याद कराया आपने, कोई ना कोई आवाज जैसे निकल जाती है, ये है स्कल, खोपड़ी, SKULL, स्कल कहते हैं खोपड़ी को। कल इनकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे हम इनके, अच्छी तरह जरा पार्ट्स ऑफ बॉडी की, आपके पेपर की तैयारी, टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी परसों आपके।
यार ये आपने होमवर्क मुझे भेजना है, एग्जांपल भी और जी सर होमवर्क भेज दिया था। ये क्या घुटने को क्या बोलती है? नी 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 के एन डबल ई के लिखते हैं, बोलते नहीं है नी। नी घुटना, जो पांव का घुटना जो है, टांग का जो है, टांग का घुटना है नी। एक और लिख लें आप, जॉइंट। जॉइंट कहते हैं जोड़, जे ओ आई एन टी, जोड़। जॉइंट, जे ओ आई एन टी, जॉइंट। जॉइंट है जोड़, जोड़ से हमारे जो है ये सारे एजाद जुड़े हुए हैं आपस में, हड्डियां जुड़ी हुई हैं जॉइंट से। जॉइंट जोड़, जे ओ आई एन टी। कर लिया आपने ये? सर एक सेकंड लिख रहा हूं अभी। चलिए हो गया होगा ना। यस सर हो गया है। आप जरा इसको प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह, इसकी हम प्रैक्टिस कर लें, आप वोकैबुलरी की अच्छी तरह। इसका मैं होमवर्क मुझे भेज दीजिएगा आप, टेंथ वो एग्जांपल्स भी और वोकैबुलरी जो है तीन मरतबा करके भेज दीजिएगा मुझे। इसको जरा आप याद देख लें अच्छी तरह, भी प्रैक्टिस करनी है इसकी। बल्कि आप बोलें बेहतर यह है कि आप उर्दू में बोलें मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, या आप इंग्लिश बोलें मैं उर्दू में बताता हूँ, इस तरह कर लें। जी अर्षद शुरू करें आप। सर मैं शुरू करता हूँ जी। थोड़ी जी क्या बोला आपने पहले? थोड़ी थोड़ी है चिन, घुटना नी, दिल, हार्ट, दिमाग। क्या है? दिमाग, दिमाग है ब्रेन। पाँव, पाँव फुट, एक पाँव है फीट, दो पाँव। ठीक। कमर, कमर है बैक, दूसरा है वेस्ट। खून की गर्दिश, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। निजाम, सिस्टम, ढांचा, स्ट्रक्चर। इंसान, ह्यूमन। कोहनी, एल्बो, पांव का घुटना और अंगूठा। टो, टीओई, टो। हाथ का अंगूठा, हम, उंगलियां, फिंगर्स, हथेली, पाम, ज्यादा दांत, टीथ, एक दांत, टूथ, जबड़े, जॉज, गम्स, जुबान, टंग, खोपड़ी, स्कल, जोड़, ज्वाइंट,
इनफ सर इनफ यस सर की ओके ये आपके इनको अच्छी तरह तैयार कर लें, आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं, ये परसों की टेस्ट आपका आ रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का प्रॉब्लम है आपको मुझसे पूछ लें ताकि टेस्ट में मसला ना बने आपके लिए। पार्ट ऑफ स्पीच से लेकर आज तक जो कुछ मैंने करवाया है वो आपके टेस्ट में आ सकता है। फ्रॉम पार्ट ऑफ स्पीच टिल टूडे All things can make part of your test on coming Saturday. कोई मसला तो पूछ लें, अदरवाइज क्लास को भी एंड करेंगे। आप भी देख लें बाबर, कोई मसला है तो पूछ लें। अगर प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बेशक ग्रुप में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हुआ अगर, ओके सर, ओके, कोई प्रॉब्लम किसी किसी का प्रॉब्लम हुआ, ओके सर, तो अब मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? कोई इशू नहीं है सर जी। ये SKULL स्किल स्कल 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 एस की उर्दू क्या है? स्कल SKULL स्कल जी, क्या कह रहे हैं? इसकी उर्दू क्या है? खोपड़ी। ओके सर, विश यू योर गुड लक, अल्लाह हाफिज। विश यू गुड लक, सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू।